फ्रेंड्स, वेलकम बैक और न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, आज मैं लाई हूँ आप लोगों के साथ फिर से एक नया वीडियो गार्डन का अपनी। और मैं कुछ इस टाइम काम की हूँ, सोची कि चलो उसी को मैं शेयर कर देती हूँ, जो कि फरवरी मार्च के मंथ में ये काम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आप लोग भी अगर नहीं किए हैं तो प्लीज़ ये काम ज़रूर करिए। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ यार पूरा वीडियो मत स्किप किया करिए, पूरा वीडियो देखा करिए। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि स्किप मत करिए वीडियो। तो चलिए शुरू करती हूँ फ्रेंड्स। तो पहले तो मैं आप लोगों के साथ किसी वीडियो में शेयर की थी कि हमें क्या करना है फरवरी मार्च के महीने में। पहला तो काम ये है कि शेयर की थी फ्रेंड्स कि हमें पहले तो हर एक समर का प्लांट का, जितना भी प्लांट है समर का, तो उन सबका एक बार हमें प्रूनिंग करना है। किसी का हार्ड प्रूनिंग, किसी का सॉफ्ट प्रूनिंग। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर ही की थी इसको। तो पहले तो मैं सबके हर एक प्लांट का प्रूनिंग कर दी थी। और यहाँ आप देखिए नए नए ब्रांच इसमें निकलना शुरू हो गए हैं, एक जगह से दो दो ब्रांच निकलना शुरू हो गए हैं। और इसमें मैं फ्रेंड्स और भी कुछ काम की थी। तो इस टाइम देखिए गुड़ाई करनी है हमें और खाद डालना है। तो हालांकि मैं कर नहीं पाई थी क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, और एक चीज़ और दूसरी चीज़ एक टाइम भी नहीं मिल पा रहा था मुझे। तो एक दिन मैं माली बुलाई थी और माली से मैं सारा काम करवाई थी गुड़ाई। चाहे काउडंग कंपोस्ट हो, चाहे किचन कंपोस्ट हो, जो भी कंपोस्ट आपके पास अवेलेबल हो फ्रेंड्स, आप उसमें अच्छे से डालिए इस टाइम, क्योंकि इन लोगों के विकास की ज़रूरत है। मतलब अच्छे से आप फूड देंगे और अच्छे से पानी देंगे तभी इनका ग्रोथ स्टार्ट होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समर के प्लांट में ये सब। अभी इनकी ग्रोथ की टाइम है। तो आप लोग जितना अच्छा इसमें फूड डालेंगे, जितनी अच्छी पानी देंगे, मतलब जितना अच्छे से ध्यान देंगे उसी टाइम, उसी से मतलब इन लोगों का ग्रोथ स्टार्ट होगा फ्रेंड्स। और आप देख सकते हैं कि हमारे हर एक प्लांट में ग्रोथ स्टार्ट हो गया है। और इसमें मैं साफ और फंगीसाइड का स्प्रे की थी एक बार, और मतलब यही सब काम की थी। और हमारे हर एक प्लांट में ग्रोथ स्टार्ट हो गया है फ्रेंड्स। तो मतलब कि मैं क्या बताऊं, जो भी जितने भी प्लांट हैं सारे प्लांट में आप लोग आप एक बार इस काम को ज़रूर करिए। जैसे एक बच्चा होता है फ्रेंड्स ना, तो उसको अच्छे से आप फूड देंगे, अच्छे से ध्यान रखेंगे तभी उसका विकास होगा। उसी तरह से हमारा प्लांट भी है। तो जितना अच्छे से आप अपने प्लांट का ध्यान रखेंगे उतनी अच्छी ग्रोथ होगी। तो हमारे समर प्लांट में यही सब काम करना ज़रूरी है फ्रेंड्स। और अभी तक आप अगर नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप जाइए और अपने गार्डन में ये सब वर्क कर डालिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अभी बस मार्च महीने में भी आप इसको कर सकते हैं, अप्रैल में बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। और हमें रजनीगंधा के प्लांट का भी रिपोर्ट करना है, उसको मैं नहीं की हूँ। और उसके बारे में मैं पिछले साल मैं शेयर की थी रजनीगंधा के बारे में, जितनी भी इन्फॉर्मेशन है सारी मैं उसका वीडियो शेयर की हूँ। आप लोग अगर देखना चाहें तो जाके देख सकते हैं। और रिपोर्ट भी नहीं की हूँ क्योंकि मैं पिछले साल का ही प्लांट का रिपोर्ट की थी। तो अगर आपका प्लांट जो है रूट बाउंड हो गया हो तो आप जो हैं उसको रिपोर्ट कर दीजिए। और यहाँ देखिए कड़ी पत्ता का जो है हम प्रूनिंग किए थे, और यहाँ देखिए एक साथ कितने ब्रांच निकल आए हैं। तो जिन जिन प्लांट का आप ना जिन जिन प्लांट का आपका रूट बाउंड हो चुका है पॉट में, मतलब कि जड़ें जो है एकदम फैल चुकी हैं, अब उनकी ग्रोथ होने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो आप उसको रिपोर्ट भी कर दीजिए। मैं नहीं की हूँ, यह देखिए आप लोगों के सामने मैं दिखा रही हूँ, हर एक प्लांट में लीव्स आना शुरू हो गया है। और ये देखिए कुछ विंटर के प्लांट हैं फ्रेंड्स। तो ऐसे ही थोड़े बहुत मैं काम की हूँ इन सब में, और आज भी मैं थोड़ा बहुत ऐसे एडजस्टमेंट की थी। और ये देखिए कुछ हमारा बोगनविलिया का प्लांट इस तरीके से फ्लावरिंग देना शुरू हो गया है, और हमारा गार्डन कुछ इस तरीके से लग रहा है। और अभी सीजन आने पे और भी ज़्यादा सुंदर लगना शुरू होगा। देखिए वाइन अल्मांडा का प्लांट है, इस तो जैसे एकदम सूख ही गया था, और इसमें भी देखिए लीव्स आना शुरू हो गया है। सारे प्लांट में लीव्स आना शुरू हो गया है फ्रेंड्स। और ये देखिए इधर देखिए ऐसे ही फ्रेंड्स। आई होप फ्रेंड्स की छोटी सी वीडियो ये देखिए हमारी अच्छी लगी हो। ये देखिए टिकोमा का प्लांट में ग्रोथ शुरू हो गया है। हर एक प्लांट, जितना भी प्लांट है, मतलब सब में थोड़ा ज़्यादा सब में ग्रोथ शुरू हो गया है फ्रेंड्स। तो जाइए और आप भी अपने गार्डन में ये ज़रूरी काम कर लीजिए अगर नहीं किए हैं तो। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और जो भी मतलब अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करिए। और जो चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और अगर वीडियो लाइक शेयर करिए, लाइक करने में आप लोग कंजूसी करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।